हवाला उस सूरत में देंगे कि जो हवाला आमतौर पर लोगों के पास ना हो तो कुछ रिवायतें इस इसमान से हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए तो यहूदियों को देखा कि वो रोज़ा रखे हुए हैं सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये आशूर का रोज़ा है जबकि याद रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ कुतुब के मुताबिक बारह अव्वल को या आठ अव्वल को कि जिसमें बारह अव्वल ज़्यादा मशहूर है मदीने में दाखिल हुए थे न के मुहरम में बाज़ रवायात में मिसाल के तौर पर हजरत आयशा से नकल हुआ कि ये आशूर का रोज़ा जमाने जाहलीत में भी रखा जाता था अरब रखते थे और रसूल वसल्लम भी रखते थे लेकिन जब माह रमजान के रोजे आ गए वाजिब हो गए तो इनको फिर छोड़ दिया गया इसी तरह से कुतु पहले सुनना तो बयान हुआ कि अब्दुल्ल अबिन उमर यह रोज़ा नहीं रखते थे फिर बाज़ रवायात में नकल हुआ कि रसूल अल्लाह सल वसलम ने पूछा यहूदियों से कि इस चीज़ का रोज़ा है तो उन्होंने कहा कि ये हम रोज़ा रखते हैं आशूर का और इस मुनासबत से रखते हैं कि कौम को निजात मिली हज़रतमूसी के शुक्राने के लिए और गफ्ारे के तौर पर तो आपने फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं अगले साल नौ को रोज़ा रखूँगा और फिर आप जिंदा नहीं रहे तो अब अगर ये मान लिया जाए कि ज़िंदा नहीं रहे तो इसका मतलब है कि आपने तो हुक्म ही नहीं दिया और अगर आप ये मान लिया जाए कि यह आखिर साल आपने देखा ताजुब की बात है कि एक रिवायत कह रही है कि जमाने जाहिलियत से था दूसरी रिवायत कह रही है कि मदीने में आप रह रहे थे लेकिन आप आखिर उम्र में देख रहे हैं कि यहूदी रोजा रख रहे हैं और आपने फरमाया अगले साल अगर मैं जिंदा रहता तो रोजा रखता रखूंगा और फिर आप नहीं रख सके और फिर साथ में आपने फरमाया कि मैं यहूद की इसमें मुखालफत करूंगा नौ को रखूंगा बाज़ रिवायत में बयान हुआ कि नौ और ग्यारह को रखवाऊंगा तो फिर यह आशूर का इतना शोर क्यों है अब आते हैं असल मौजू की की हर रवायत का जो असल मौजू है वह यह कि यहूदियों को देखा कि वो आशूर का रोजा रखते थे अब सवाल किया जाए बाइबल से और खुद सवाल किया जाए यहूदियों से कि आया वो इस्लामी कैलेंडर को मानते हैं मुहर्रम को आया वो मुहर्रम की दसवीं तारीख को रोजा रखते हैं तो जवाब तो यह है कि यहूदी मुसलमानों के कैलेंडर को मानते ही नहीं है अब यह कहा जाएगा कि जो यहूदी चांद के कैलेंडर को भी मानते हैं तो जवाब यह है कि वो चांद के कैलेंडर को मानते हैं लूनर कैलेंडर उनके है, साथ में सोलर कैलेंडर भी है लेकिन जो असल मौजूद है चाइना वालों की तरह वो सोलर और लूनर कैलेंडर को मिला के चलाते हैं और ऐसे कैलेंडर को कहा जाता है लूनी सोलर अब यह लूनी सोलर कैलेंडर कैसा है कि दिनों की तादाद जो है वो चांद के हिसाब से होती है लेकिन साल की मकदार जो है वो सूरज के हिसाब से होती है बस क्योंकि चांद के महीने में दस दिन कम होते हैं सूरज की नस्बत से और फिर ये अलग अलग तारीखों में आता है तो यहूदी ये करते हैं कि हर तीसरे साल तीस दिन का एक महीना बढ़ा देते हैं यानी हर तीसरे साल बारह की जगह तेरह महीने तेरह महीने कर देते हैं और इस तरह से चांद और सूरज की यानी कमरी और शमसी तारीखों को करीब करीब कर देते हैं तो उनके यहां तो कभी भी मुहर्रम नहीं है और ना कभी आशूर है अब अगर कोई कहे कि पहले ऐसा था तो पहले भी ऐसा नहीं है ये उनके हजारों साल से चल रहा है चौदह सौ साल पहले ऐसा नहीं था कि वो मुहर्रम की तारीख को मानते थे तो अब देखना यह है कि यहूदी कौन सी दस तारीख को रोजा रखते हैं तो जवाब यह है जाएं सर्च करें आजकल कर तहकीक आसान हो चुकी है यहूदियों का एक अहम तरीन दिन है और वो है यम कपूर कैपूर या यम कैपूर यह उनके सातवें महीने की दसवीं तारीख को होता है हमारे यहां वो अफराद के जो यहूदियों के बड़े चहीते थे इस्लाम में दाखिल हुए उनकी एक अलामत है अहल बैस से बोस क्योंकि अहिबैत की वजह से उनके किले बर्बाद हुए मौलानीम की वजह से उन्हें नुकसान हुआ लिहाजा वो आज मौजूद हैं और उनकी अलामत है बहुत ज़्यादा अहलबैत उन लोगों ने इस यहूदी कल्चर को रखने के लिए ये ढोंग रचाया बस याद रखें यहूदी आशूर के दिन रोज़ा नहीं रखते बल्कि वो अपने सातवें महीने यानी तशरी के दसवीं तारीख को रोज़ा रखते हैं और अरबी बाइबल में कि जिसका तर्जुमा तकरीबा हज़ार साल पहले का है किताबे लावीन में चैप्टर नंबर 23 और वर्स नंबर 26 और 27 में है वह कल्लम रब मूसा कि अल्लाह सुबहाना तारा ने मूसा से गुफ्त की वह अमल आशरो के आशिर ना कि आशूर आशिर यानी दसवीं तारीख सातवें महीने की तुम्हारे लिए यौम कफारा है यानी यौम कपूर और इस दिन रोजा रखा जाता है याद रखें चौबीस घंटे का यह दुश्मन आने अहिल जो योम आचूर का जो जश्न मना रहे हैं और यौम आचूर का शोर मचा रहे हैं उन्हें चाहिए कि अपने आकाओं की तरह से चौबीस घंटे का रोजा रखें इसी मौजू को उर्दू की बाइबल में किताब अहबार में चैप्टर नंबर तेईस और वही आयत नंबर छब्बीस सौ सत्ताईस में खुदाबंद ने मूसा से कहा देहान रखो के सातवें महीने की दसवीं तारीख कफारे का दिन है फिर किंग जेम्स के तर्जे में भी इस चीज को देख लें लेवेटिकस चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री और वर्ष नंबर ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन एंड द लॉर्ड यू स्पीक ऑन टू नूसा ऑल्सो ऑन द टेंथ डे ऑफ दिस सेवेंथ मंथ तो यहाँ पर भी दसवीं तारीख सातवें महीने की अब गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं तहकी का दायरा आसान हो गया है आप जाके उर्दू गूगल में लिखें यौम कपूर तो सब कुछ आ जाएगा मिसाल के तौर पे यौम कपूर में वाजे आ जाता है कि इब्राहि साल के दसवें दिन यौम कपूर मनाया जाता है यह उमूमन सितंबर या अक्टूबर में आता है अशर तोबा के अख्ताम पर एक लम्बा रोज़ा होता है जो यौम कपूर की शाम से सूरज ढलने पर शुरू होता है और अगले दिन सूरज के गुरूप पर खोला जाता है तो किसी को बहुत शौक़ है यहूदियों के रोज़े का इस्लाम में लाने में तो वो कोशिश करें उन्हीं की तरह से चौबीस घंटे का रखें क्योंकि जब सोच ही लिया है कि रसूल अल्लाह और अहिल को नहीं मानना तो फिर ऐसे लोगों को कोई इलाज नहीं है इसी को अगर आप इंग्लिश गूगल में जाकर सर्च करें तो डेट ऑफ यौम कपूर बल्कि आप लिखें जाके यौम वाई ओ एम के आई पी पी यू आर कैपुर तो यहां पर भी आ जाएगा यम कपूर फाल्स ईच ईयर ऑन द टेंथ डे ऑफ द month मंथ ऑफ तिशरी तिशरी महीने यानी सातवें महीने के दसवीं तारीख में आता है इसी तरह से ये जहन में रखें कि ये हवाले हम इख्तसार की वजह से फकत एक ही चैप्टर के दे रहे हैं लेकिन बाइबल में तीन जगह बयान हुआ है उर्दू का एक और हवाला भी दे दें और यह हवाला है किताब गिनती में यानी नंबर में और चैप्टर नंबर ट्वेंटी नाइन का वर्ष नंबर सेवन है आयत नंबर सेवन सातवें महीने की दसवें दिन एक ख़ास इजलास होगी इस दिन तुम रोज़ा रखोगे और तुम कोई काम नहीं करोगे तुम जलाने की कुर्बानी तो अब यहाँ पर यह भी बयान हुआ है कि जब किसी को ये शौक़ है तो शायद अब बाज़ दुश्मनान अहिल बैत ये फतवा भी देंगे कि जलाने की कुर्बानी भी दी जाए किसी जानवर को जलाया जाए माल्ला तो ये जहन में रखें कि इन तमाम रिवायतों का सलूशन ये है कि खुद देखा जाए कि यहूदी कब रोज़ा रखते हैं यहूदी कभी भी मुहरम की दस्तारी को रोज़ा नहीं रखते और ना मुहरम उनका महीना है और ना ही उनका कैलेंडर मुहर्रम के हिसाब से चलता है हमारी गुजारिश है इन दुश्मनान अहल वैत से कि वो इस कस्म के झूठे हरबों से आलाम इस्लाम को तकसीम ना करें अब इस जाने भी तवज्जो रहे कि ये यौम कपूर जो है 2016 में आया था बारह अक्टूबर को और इस साल ये वहावियों के लिए बहुत से अहले बैत वालों के लिए शायद खुशी की खबर हो कि इस साल यम कपूर आ रहा है ट्वेंटी नाइन्थ या थर्टी सेप्टेम्बर को दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों के हिसाब से तो इस साल तो कहा जा सकता है कि दुश्मन अहलबैत की लाठरी खुल गई कि यम कपूर और कतल इमाम का दिन एक साथ हो गया अगले साल को बुध के दिन सेप्टेम्बर उन्नीस या बीस को आएगा तो याद रखें कि यौम कपूर का दार मदार लूनी सोलर कैलेंडर पे है जो हमेशा सितंबर या अक्टूबर में ये दिन पड़ता है इसका कोई ताल्लुक जो है कि जो सौ में आशूर का मौजूद आशूर के रोजे का मौजू यहूदियों का है इसका कोई ताल्लुक मुहर्रम से और आशूर से नहीं है बल्कि अरबी बाइबल के मुताबिक आशर है यानी दसवा दिन मिनसाबे यानी सातवें महीने का दसवां दिन खुदा व वाली से दुआ है कि दुश्मना ने अहिल सलाम के शर से तमाम मुसलमानों को शिया सुन्नी को महफूज़ रखे खूस हमारी गुजारिश है सुन्नत भाइयों से कि अपने इन बाज़ नाम नाद मुलाओं की बातों में ना आएं ये एक यहूदी रोज़ा है और इसकी तारीख़ हमने बयान कर दी जाके इसको सर्च करें और उनसे जाके सवाल करें कि यहूदी कभी भी मुहर्रम की दस तारीख को रोज़ा नहीं रखते अगर रखना है किसी को तो उनके कैलेंडर को जाके फॉलो करें इस्लाम का रसूल का रसूल की आल का पीछा और हमारा पीछा छोड़ें अपने आकाओं के हुक्म के मुताबिक आपको जो करना हो करें व सल् ताहिरीन ताहरीन